रहा था, मुझसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं अभिनय को लेके, तू कैसे कर लेते हो? मुझे नहीं मालूम मैं कैसे कर लेता हूँ, जेन्युइनली नहीं पता मुझे, मेरे पास कोई मेथड एक्टिंग नहीं है, कोई मेथड नहीं है, पढ़ा सबका हूँ। तो जब वो कल्पना की शक्ति है, और ये इसलिए मैं छेड़ा क्योंकि आज के बच्चों में, आज की पीढ़ी में कल्पना का अभाव होते जा रहा है। जो प्रश्न है गूगल कर लो, वही वही हम लोगों के समय सब कुछ नहीं था। तो हम इस अपनी कल्पना शक्ति को दौड़ाते थे, और कई बार रियलिटी से ज्यादा, कई बार नहीं, हमेशा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चीज कल्पना है। सही बात। तो मैं, मुझे लगता है बच्चों को अब हर स्कूल कॉलेज में एक कल्पना का भी ना इमेजिनेशन सेंटर और उसका एक सेगमेंट होना चाहिए। मुझे तो लगता है याददाश्त का भी, पंकज जी याद है हम लोग बचपन में सबके सब जो भी चीजें थी, फोन नंबर भी, जब नया फोन आया तो सबके याद रहते थे। अब सब सेव कर लिया तो किसी का कुछ याद नहीं रहता ना, बर्थडेज याद रहते हैं। और पहले मुझे, मैं कई बार सोचती हूँ कि कितना कुछ याद रहता था, हर सहेली का बर्थडे कब आएगा आज तक याद है वो। और आज के जो नए दोस्त हैं जिनका हम सेव कर लेते हैं, उनका अगर फेसबुक याद ना दिलाए तो हमें याद नहीं आएगा। तो कभी आपको लगता है पंकज जी कि जब सीमित संसाधन थे या सुविधाएं कम थी, तकनीक कम थी, वो उसका एक बहुत बड़ा रोल है आज हम जो हैं, और शायद इसमें वो सीमित संसाधनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है जब हम एनएसडी